हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मैं हूं युवराज। नहीं फिर से बोल, हट, चल बना ले, चल मैं बैठा रहूंगा मगर। नहीं बोल। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है युवराज और ये अदिति मेरी बहन। आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। मेरी मतलब हमारी बहन की शादी है, मामा की बेटी की, और उनकी शादी के लिए मुझे कुछ कपड़े चाहिए। मतलब अभी हम 2-3 दिन में जाने वाले हैं और मेरे को अभी तक होश नहीं आया हुआ था, और आज भी ये लोग फोर्स करके आए कि भाई लोग कपड़े ले ले, कुछ तो कपड़े ले ले। तो चलते हैं, देखते हैं क्या कपड़े लेंगे। पहले हम जाएंगे पापा की शॉप पे, उधर जाके देखेंगे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, और थोड़ा बहुत एथनिक देखना होगा तो हम थोड़ी और जगह पे देखेंगे। कुछ कुर्ते हैं दुकान पे, बट उसके अलावा और भी चीज़ें मेरे को देखनी है, तो देखते हैं और चलते हैं अभी पहले पापा की दुकान पे, वहाँ देखते हैं क्या मिल रहा है। कैसी लग रही है ये? ठीक लग रही है। और कुछ है? पार्टी में जाते हैं, मैरिज शर्ट है ये पहन, ये वाली पहन है, ये वाली पहन। एक शर्ट ये है, मेरे को लग रहा है ये शर्ट पहन लेनी चाहिए क्योंकि ये शर्ट बहुत मज़ेदार लग रही है मेरे को। पीछे मैं आके दिखाऊं भाई कैसी लगी है। तीनों शर्टों में से ये शर्ट सही लग रही है मेरे को, और बाकी तो आप लोग बताओगे यार कैसी लग रही है, कौन सी, क्योंकि तीन थी। एक तो ये है, ये वाली पैटर्न वाली जो पहले पहन के दिखाई थी, दूसरी ये है। उन तीनों में से मेरे को ये वाली बेस्ट लग रही है। इसके अलावा कुर्ते मैंने दुकान से पहले लेके पहने हुए थे, जो दूसरे वाले ब्लॉग में आपको देख सकते हो। बाकी कुर्ते और मेरे को पसंद नहीं आ रहे, मैं सोच रहा हूँ कुछ और पहन लगे देखा जाए। अब देखो मैंने 4 चीज़ सेलेक्ट करी है, 2 शर्टें और 2 टी शर्टें, ठीक है। अब मेरे पापा की दुकान है, मैं तो पैसे दूंगा नहीं, बट पापा फिर ही बताएंगे कौन सी चीज़ कितने की है, ताकि आप कभी आओ तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये शर्ट है, उसको मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको, जो मैंने पहनी थी। ये शर्ट कितने की है? 600 रुपये की है। मज़ेदार, मेरे को कोई महंगी नहीं लग रही, ठीक है। और एक ये है, ये भी शायद 650 की होगी, कितने की है? 600 की, ठीक है। और ये टी शर्ट है एक ब्लैक, 400 रुपये की है। 400 रुपये की, ये भी 400 रुपये की है, ये भी 400 रुपये की है। इसका जो कपड़ा है वो बहुत लाइट है और इतनी सॉफ्ट है, मेरे को मतलब बहुत सही लगी है वाली टी शर्ट को पहनने में। इसका प्रिंट जो है 699 रुपये का है इसका। हाँ मतलब कि मेरे को लगी थी 400 रुपये के हिसाब से, बहुत अच्छी टी शर्ट है। एडिशन काफ़ी बढ़िया है, बढ़िया। ये मेरे को मतलब काफ़ी लाइट लगी टी शर्ट, मतलब इससे गर्मी भी लगी, इसमें हल्की सी गर्मी लगी है, बट ये ब्रांड है और डायनामेंट का है, अच्छा माल है ये। हाँ अच्छा, तो मतलब मैं कह रहा हूँ वो पता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ली है पापा की शॉप से, बाकी हम चलते हैं आप और चल के देखते हैं क्या है क्या नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ कुछ हल्का सा कुछ एथनिक सा लेके आए, और जब बाहर चलेंगे तब मिलते हैं आप। और कभी आपको कुछ लेना हो कुछ भी दुकान से तो आ सकते हो, मैं एड्रेस नीचे डाल दूंगा, फ़ोन नंबर डाल दूंगा, सब कुछ डाल दूंगा, तो आओ देखो और ख़रीदो। बहुत सारा माल है भाई आदमियों का, स्पेसिफिकली मेंस वियर है बेटा, आदमी तो मेंस वियर है, ठीक है। तो वो है, और अब चलते हैं बाद में बात करेंगे। यहाँ पे हम ट्रेंड्स पे देखते हैं कुछ अच्छा सा मिल रहा हो तो। हमारे शहर में 2-3 ट्रेंड्स खुल गए हैं, एक यहाँ पे फतेहाबाद रोड पे, एक अपना कॉस्मोस के पास, मतलब कॉस्मोस में, और एक प्रतापपुरा में। तो ये अभी फतेहाबाद रोड वाला है, और इतना ही देखता हूँ मैं कहाँ मिलेगा यार। तो हम ऊपर आए, मतलब मेंस फ्लोर पे आए, और ये लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ इनके पास 2-3 ही कुर्ते हैं, कुर्ते मैं आपको बाहर दिखाऊंगा, बट वहाँ पे ना न्यू अराइवल्स में एक शर्ट आई हुई थी तो मेरे को बड़ी अच्छी लगी, थोड़ी सी बड़ी है बट ये लग बहुत प्यारी रही है यार, मतलब ऐसे आपको पता चलेगा। ग्रीन कलर है, ऑलिव ग्रीन, और इस पर येलो कलर का कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, बहुत ही सही लग रहा है मेरे को। अगर ये कुर्ते टाइप में होती ना तो मैंने ये ले लेनी थी बिल्कुल, बट ये शर्ट के हिसाब से थोड़ी सी मेरे को महंगी लग रही है यार, 1800 रुपये की है,
तो इनके एक ऑफर चल रहा है अभी जिसमें 3-4 आप मतलब 4,000 की शॉपिंग करोगे तो साथ में आपको एक घड़ी मिलेगी टाइटन की। उसके अलावा कुछ इनका अभी ऑफ कुछ नहीं है, बट यार ये बड़ी अच्छी लग रही थी यार, ये मन कर रहा लेने का। देखते हैं भाई लेंगे कि नहीं, बट हाँ मेरे को लग रहा है मुश्किल है। और बाहर जो 2-3 कुर्ते हैं मैं वो दिखाता हूँ। बाकी इसके अलावा एक लास्ट ऑप्शन और बचा है, शायद बच्चूमल, जो हम जाएंगे तो देखेंगे कुछ अच्छा मिल जाए तो। बट मेरा जो मतलब मन था कुछ ऐसे एक लेने का अच्छा सा, वो अभी तक तो कुछ अच्छा मेरे को कुछ मतलब मिला नहीं है देखने को, बट स्टिल चलो चल के ट्राई करते हैं। बट हाँ ये शर्ट बहुत सही है यार, बहुत अच्छी लग रही है शर्ट। ये शर्ट के अलावा ना ये टी शर्ट और मस्त लग रही है मेरे को, मतलब इतनी तो छोड़ो, लेकिन उसके अलावा ट्रेंड्स में कपड़े अच्छे हैं, बट महंगे होते हैं यार ये, 2,000 रुपए की है ये टी शर्ट। लग तो बड़ी सही रही है, पीछे कैप है और मतलब हाफ है, और इतनी कोई मतलब गर्म भी नहीं है, सही है, कॉटन की है, प्यारी लग रही है, बट वही है थोड़ी सी महंगी है। प्लस जो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ वो ये नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ पे नहीं मिल रहा है वो सब, तो किसी और टाइम आएंगे तो ये सारी चीज़ें उठाएंगे, पिकअप करेंगे, उसका भी ब्लॉग बनाएंगे, टेंशन मत लो। बट हाँ अभी तो एथनिक हंट जारी है। कुर्ते में ना ये सिर्फ 3 तरीके के कुर्ते हैं, एक ये है जैसे डेली वेयर टाइप का, ये पहनना हो आपको कुछ ऐसे, वैसे नहीं है कि आप शादी में पहनो उसको जाके, वो चीज़ है ये। प्लस अच्छा खासा लॉन्ग है, एम साइज़ है फिर भी काफ़ी लॉन्ग कुर्ता है, बड़ा है, अच्छा खासा स्टैंडर्ड साइज़ है जो होता है। और शर्ट अच्छी है, ये वाली शर्ट जो मेरे को बहुत पसंद आई थी। चलो चलते हैं ट्रेंड से कुछ और देखते हैं। अब लास्ट या फिर सेकेंड लास्ट जगह आए हैं जो कि है बच्चूमल। बच्चूमल में कुछ देखते हैं भाई मिले तो, वरना दुकान के पास ना और 2-3 दुकानें और हैं पापा की दुकान के पास, वहाँ चलेंगे लास्ट में, वहाँ से कुछ उठाएंगे। चलो तो हमने देखा अंदर, कुछ चीज़ें मेरे को अच्छी लगी, और मेरे को एक चीज़ अब समझ में आई है कि कुर्ता ले लेता हूँ, साथ में ब्लैक कलर की कोटी ले लूँगा। तो कुर्ते जो मैंने 1-2 स्टोर पे देखे हैं, और क्योंकि एक्चुअली यहाँ यार 3,000 के 3,500 रुपये के ऐसे ऐसे कुर्ते हैं, और भाई इतने महंगे कुर्ते नहीं, इतने महंगे कुर्ते मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मैं इतने पहनता भी नहीं हूँ, शादी के लिए पहनूंगा और फिर इतने पैसे खर्च कर दो उसमें कोई मतलब नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया है कि ब्लैकिश सी कोई कोटी देखूंगा, और एक आध कुर्ता मेरी शॉप से मिल जाए तो वो ले लूँगा, वरना 2-3 शॉप तो और है मेरे पापा की शॉप के पास, वहाँ से लूँगा, और नीचे ब्लैक में पैंट या फिर कुछ भी पजामा पहनूंगा, और ऐसे कुछ करेंगे। तो अभी चलते हैं एक दुकान पे अगर मैं जाऊँगा। बाकी मेन तो जो कपड़े लिए हैं वो तो आपने देखे ही हैं यार, वो 4 अपने 2 शर्टें और 2 टी शर्टें, बाकी और कुछ लिया तो देखते हैं। तो एक चीज़ और थी, वो बच्चूमल वालों क्या लिखा हुआ था, फोटो नहीं खींच सकते, वीडियो नहीं बना सकते, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछ भी लिया कि ब्लॉग बनाने, तो कहते नहीं, मैं कहा ठीक है चलो नहीं बनाता, तो उस वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो कुछ कुछ चीज़ें वहाँ अच्छी थी, बट वही था कि बहुत महंगे भाई, वो 3-4 हज़ार रुपये 5,000 रुपये देना एक शादी के लिए मेरे को तो नहीं समझ आता, ठीक है। और मतलब उससे काफ़ी कम प्राइस पर और भी जगह पर मिल जाएंगे, तो अभी हम ढूंढ रहे हैं, देखते हैं भाई और क्या मिलता है। और सामने बड़ा मस्त मौसम हो रहा है, कैमरा ख़राब हो गया था मेरे पीछे का, तो मैं आगे वाले कैमरा को ऐसे करके फोटो खींचा था जैसे अभी वीडियो बनाई है मैंने। अब कहाँ चले बताओ, तुम बताओ ना भाई, तुम्हें ज़्यादा कपड़ों का पता है, तुझे कुछ समझ तो आ रही है क्या? कपड़े समझ तो ऐसे नहीं आ रहे, सही बात है। मैं तो कहूँगी कि तू वो एक ब्लू वाला कुर्ता देख ले अपनी शॉप में। ब्लू वाला कौन सा? तूने ग्रीन लिया था पहले। अच्छा देखते हैं यार, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, इसलिए ना मैं मम्मी जो बोलती है वो पहन लेता हूँ ज़्यादातर शादियों में, और हो जाता है काम। मैं जब खुद से कुछ ढूंढने निकलता हूँ ना तो मुझे समझ नहीं आता भाई, अब अभी भी वही हो रहा है और बोर हो रहे हैं, मतलब थक गए हैं ढूंढते ढूंढते। तो देखो भाई क्या होता है, तो अपनी शॉप पे मिला सबसे बेस्ट, तो भाई अपनी दुकान पे कपड़े मिले, अपनी दुकान पे मिल गए होते भाई ये कुर्ते उड़ते भी तो मज़ा आ जाता, क्योंकि सही है भाई अपने दुकान से बेस्ट कुछ नहीं है, तो वो चीज़ है। बाकी देखो भाई देखते हैं, क्या समोसे खिला रहे तुम? समोसा खाने जा रहे अभी तो, यहाँ पे कभी आओ नौलखे तो भवानी पे आओ, समोसे खाओ मस्त एकदम बढ़िया। और मेरे को लग रहा है यार अभी शाम हो चुकी है, मेरा आगे की तरफ ही जिम है, तो सोच रहा हूँ जिम जाऊँगा, फिर ये कपड़े ढूंढने की हंट जो है मतलब कल जारी रखेंगे। अब मैं सोच समोसे खाऊँगा भाई, और अभी शाम के बज रहे हैं 7, मेरे को जाना है जिम, जिम जाएंगे और फिर कल सुबह वापस से चालू करेंगे कुर्ते और कोटी लेने का कार्यक्रम। हे गाइस, आज है हमारा मतलब आज है हमारी शॉपिंग का सेकंड डे, और मेरे को ये कुर्ता मिला है ब्लू कलर का, और ये कुछ 1500 या 1700 रुपये का कुर्ता है, मतलब वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है बट हल्का सा सिंपल है, कपड़ा भी इसका काफ़ी अच्छा है, अंदर से चुभेगा नहीं ऐसा कपड़ा है, हल्का सा चुभ रहा है बहुत बट अच्छा है काफ़ी। और अभी हम हैं रिलायंस ट्रेंड्स पे, और अभी दिन के 2:30 या 3 बज रहे होंगे और ऐसा कुछ है, इससे बेटर मेरे को अभी तो कुछ और नहीं लग रहा, बाकी कुछ और अभी देखते हैं मिलेगा तो
दिखाते हैं आप लोगों को। और यार एक कुर्ता ढंग का मिल जाए ना, बस वही एक मेरी वो यार कोशिश। और कल एक दुकान थी जो मैं कवर करना भूल गया था, उधर मैंने कुर्ता सेलेक्ट किया था, आज मैं वहाँ गया तो वो भी दिखाऊंगा आप लोग को। चलो एक ये देखा है, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा छोटा लेकिन ओवर प्राइस है, थोड़ा हल्का सा। ये 2400 रुपये का है, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। अभी जैसे मैंने हाथ ऐसे किया तो ये इसका एम नहीं है ऐसा, ये लग बहुत प्यारा लगा है। लेकिन यार मतलब ऐसे कैजुअली भी कहीं भी पहन लो जीन्स के साथ, बहुत प्यारा लग रहा है। तो इसके अलावा और तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो अब चलते हैं भाई किसी और दुकान पर। ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, बट पॉइंट यही है कि ये छोटा है, इसका एम नहीं है, एस है, फिर एल है, फिर डबल एक्सएल है, एम नहीं है बीच में, तो वो चीज़ है। बट उसके अलावा लुक्स गुड यार, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं यहाँ से यार, कोई और शॉप पे देखेंगे चल के। तो अभी हम आए हैं इसके गारमेंट्स पे, और मेरे पापा की शॉप के पास ही है। यहाँ पे एक कुर्ता है बड़ा अच्छा सा है, इसका जो मटेरियल है वो भी थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसके अलावा वो वाला एक मैंने कल देखा था, ये दिखाना है इसको, एक ये था, इसका कपड़ा थोड़ा सा अलग है, बट जो मैंने पहना है ये भी अच्छा है, इसमें गर्मी भी नहीं लगी क्योंकि ट्रांसपेरेंट है कपड़ा, काफ़ी सही लग रहा है मेरे को। जो पहले दिखाया था उसमें थोड़े से धागे वागे निकल रहे हैं, तो उस वजह से वो छोड़ दिया। बाकी उसके अलावा ये एक है जो पसंद आ रहा है, और कपड़ा कुछ ऐसा है इसका, कितने का ये मेरे को वीडियो में बताना है ना, 1500 का है भाई ये, 1500 के हिसाब से तो सही है, मतलब काफ़ी अच्छा काम हो रखा है इस पर, और प्लेन वाला कपड़ा नहीं है, मतलब वर्क हो रखा है इस पर, तो मतलब हाँ हल्का सा भारी है कपड़ा, बट वो ये कि हाथ हल्के से ना ये भी ऐसे करो तो ये है, बट उतना छोटा नहीं जितना ट्रेंड्स में था। तो मैं वापस ट्रेंड्स में आ गया हूँ। तो दिन में जो आपको दिखाया था ये कुर्ता, ये एस साइज था, मैंने कहा था छोटा है, अब पापा ने एल पहना दिया, बोल रहे सही है, बट ये झूले ऐसा लग रहा है। जो एस की फिटिंग थी वो तो एस की ही थी, और जो मैंने कुर्ता फाइनल किया था ना उसमें भी धागे थे, और मैंने वो भी वापस कर दिया, ठीक है। तो अभी ये है, अब मैं वापस में दो लेके आया हूँ, एक तो ये एम लेके आया हूँ, और जो मैंने दिन में एस पहना था वो मम्मी को मैंने दिखाऊंगा तो वो भी लेके आया हूँ, लेकिन लेना यही वाला है इसका, ऐसा अगर मम्मी को ठीक लगा तो ले लेंगे, वरना देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने इसका एम पहना ब्लू वाले का, ये अच्छा लग रहा है फिर भी, इसकी मतलब एल से तो छोटा है तो उसकी फिटिंग बिल्कुल मतलब बेटर आई है पहले से। एस में जितनी बढ़िया मतलब शोल्डर और चेस्ट आती ना वो तो इसमें नहीं आ रही है, बट स्टिल इट्स बेटर देन व्हाट वी गेट इन द एल, मतलब एल नहीं आता मेरे को, एल बड़ा है यार, एम ठीक है। और ये लाइट ना फ्लिकर कर रही है, इसका कोई इलाज नहीं है, मैं बहुत ट्राई कर लिया, बाहर जाके तो फिर भी ठीक आएगा, अंदर तो ट्रायल रूम की लाइटिंग में ऐसे ही आता है ये। ये है अब एक दो और पहन के देखूंगा, एक ये लेके आया हूँ मैं, ये ऐसी है, और जो दिन में पहना था ये हमारा है पसंदीदा, वो तो है, देखते हैं चलो। तो एक ये क्रीम कलर का और है, ये भी अच्छा है, ऐसी है, इसकी भी फिटिंग अच्छी आई है, बट जैसा तो दिन में जो पहना था लग रहा था ना उसकी तो बात ही अलग है भाई, हल्का सा शीशा में देख लो ऐसा कुछ लग रहा हूँ भाई मैं। और चलो अब लास्ट वाला ट्राई करते हैं, जो दिन में ट्राई किया था एस वो पहनते हैं। तो ये जो वही दिन में पसंद किया था वही है, सबसे बेस्ट है भाई ये यही लेते हैं भाई, ये है 2399 का, और मेरे पास एक कूपन है 500 का, वो लगाऊंगा, बस लग जाना चाहिए वरना दूसरा वाला लेना पड़ेगा जो है। चलो भाई चलते हैं, और फाइनली कुर्ता मिल गया, और साथ में जो मैंने चार कपड़े लिए थे शॉप से वो हैं, है ना। और तो जो हाँ अभी थोड़ी देर पहले शाम को कपड़े लिए थे ना, जो कुर्ते लिए थे, तो वो दोनों वापस कर दिए, उनमें धागे निकल रहे थे, मतलब वो भी अच्छे थे और मतलब सही भी थे, उनके प्राइस भी ठीक थे, 1500 का एक था और एक 1700 का था, तो फाइन थे। बट वो ये कि किस्मत में नहीं था कि वो पहनूं मैं, तो मैं यही पहनूंगा जो मस्त सा है। और हो गई भाई दो दिन के बाद फाइनली शॉपिंग पूरी हो गई है, बाकी तो नीचे पजामा पहन लो, जूते वूते तो कुछ नहीं पहन लो, वो कोई इशू नहीं है, बट मेन तो कुर्ता ही था, वो हो चुका है। चलो तो घुमा फिरा के इतने सारे कपड़े हैं, एक सबसे पहले तो सबसे महंगा वाला कुर्ता, ठीक है, ये कुर्ता 2300 रुपये का है, डिस्काउंट करने के बाद ये 1800 का पड़ा है, 500 का कूपन मिल गया था। और उसके अलावा इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, ये एक और मैं लेके आया था कुर्ते टाइप का, मतलब शॉर्ट कुर्ता है, ये पड़ा था मेरे को 700 रुपये का। और ये मेरी टी शर्ट,
450 की और ये 400 की और एक ये मैं शर्ट लेके आया था ये 600 की और उसके अलावा एक ये और। तो घुमा फिरा के ये सारे कपड़े लेके आया हूँ शादी के लिए और नीचे तो यार ब्लैक पैंट पड़ी है वो ही पहन लूँगा और ब्लैक शूज़ भी है। तो सब कुछ हो गया भाई, तैयारी हो गई ऑलमोस्ट शादी की। अब ये मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, सब्सक्राइब करना अगर पसंद आए तो। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखना। और मेरे को एक चीज़ बताना ब्लॉग में आपको और कौन से कपड़े पसंद आए थे जो मैंने नहीं लिए, ठीक है? चलो मिलते हैं, जय हिंद।